इंडियन नेशनल मूवमेंट में टेक पार्ट करने वाले इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हम लोग देख रहे हैं इस सीरीज में। आगे हम देखेंगे चापेकर ब्रदर्स, चापेकर बंधु, तीन भाई थे चापेकर बंधु कहलाते थे, बालकृष्ण चापेकर, दामोदर चापेकर और वासुदेव चापेकर। तो ये तीनों भाई टुगेदर रेवोल्यूशनरी थे, महाराष्ट्र से संबंधित थे और इन तीनों भाइयों ने मिलकर के सोसाइटी फॉर रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन नामक एक संस्था बनाई थी, माने हिंदू धर्म के रास्ते की जो बाधाएं हैं उनको हटाने वाली एक संस्था। ठीक है, नाम धार्मिक है लेकिन इनका काम भारत से, इस संस्था का काम क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से जो युवा पीढ़ी है उनको इस समिति में शामिल करना, उनको क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित करना और क्रांतिकारी तरीकों से अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए व्यवस्थ करना, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। ऑन जून 1897, जून 1897 में इनके जो दो भाई थे, शुरू वाले दो भाई बालकृष्ण और दामोदर, उन्होंने मिस्टर रेंड पुणे में जो ब्लैक कमिश्नर थे उस पर बम फेंका था जिसके कारण दोनों को अरेस्ट किया गया था। फिर ये हालांकि अरेस्ट के पहले जो छूटते भाग रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति जिनका नाम गणेश शंकर द्रविड़ जिनका नाम था, उनको उसकी जासूसी के कारण इनका पता चला था, इसको अरेस्ट करके फिर इनको बाद में फांसी की सजा दे दी गई थी। अब बच गए इनके तीसरे भाई वासुदेव चापेकर। जब उसको पता चला कि गणेश शंकर द्रविड़ ने जासूसी करके अंग्रेजों को बताया था तो वो इसको ढूंढता है और उसको भी अल्टीमेटली वो मार देता है और खुद भी फांसी पे चढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तीन चापेकर बंधु थे। डेविड हेयर, 1775 में इनका जन्म हुआ स्कॉटलैंड में, 1842 में कलकत्ता में इनकी मृत्यु हुई। ये स्कॉटिश थे, स्कॉटिश माने स्कॉटलैंड के निवासी थे, भारत में सिविल सर्विस के रूप में आए थे और फिर भारत में हेनरी विलियम डेरोजियो और राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के इन्होंने काम किया और काफी कुछ इन्होंने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ काम किया। तो प्लेड डोमिनेंट रोल इन इम्पार्टिंग वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, भारत में पश्चिमी शिक्षा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में इनका बड़ा योगदान है। ही फाउंडेड हिंदू कॉलेज। ठीक है, इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी राधा राम मोहन राय के साथ मिलकर के, और एक मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की थी इन्होंने कलकत्ता में। इन्होंने इंग्लिश और बंगाली में स्कूल की बुक्स पब्लिश करने के लिए एक संस्था बनाई थी, इसका नाम था स्कूल बुक सोसाइटी, ये नाम था उसका, फॉर पब्लिकेशन। ठीक है, प्रकाशन करने के लिए। क्लोजली एसोसिएटेड विद यंग बंगाल मूवमेंट, जो यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विलियम डेरोजियो ने चलाया था उससे ये संबंधित थे। दोंडो केशव कार्वे, या इन्हीं का नाम है दूसरा अन्ना साहेब महर्षि कार्वे। अब ये फिर एक महर्षि आ गए तो सारे महर्षि इकट्ठे लिखते रहना। ठीक है, इनको केशव कार्वे भी शॉर्ट में बोला जाता है, डीके कार्वे भी बोला जाता है, तो कार्वे आखिरी में आए तो समझ लीजिए। 1858 में महाराष्ट्र के बड़े महत्वपूर्ण समाज सुधारक थे, इनका जन्म हुआ और 1962 में इनकी मृत्यु हुई। सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक थे, पर्टिकुलरली अपलिफ्टमेंट ऑफ विडोज एंड एजुकेशनलिस्ट। ठीक है, तो समाज सुधार के क्षेत्र में ये महिलाओं का, जो विधवा महिलाएं हैं उनके उद्धार के लिए काम करते थे, शिक्षाविद भी थी। ही फाउंडेड विधवा विवाहोत्तेजक मंडली, यानी विधवाओं के विवाह के प्रोत्साहन के लिए एक संस्था बनाई थी जिसका नाम बाद में बदल करके विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने इंडियन विमेंस यूनिवर्सिटी पुणे में, ठीक है, महिलाओं की पहली यूनिवर्सिटी की स्थापना भी डीवी कार्वे ने की थी और खुद भी एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए विधवाओं से इन्होंने विवाह किया था। ही रिसीव्ड भारत रत्न अवार्ड 1958 में, इनकी मृत्यु के पहले ही इनको भारत रत्न मिल गया। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख, या इनको पॉपुलर नाम इनको जाना जाता है लोक हितवादी, ये भी महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे। 1823 में इनका जन्म हुआ और 1892 में इनकी मृत्यु हुई। सोशल रिफॉर्मर थे और ये भी विडो के क्षेत्र में काम करते थे, विडो रिमैरिज को प्रोत्साहन देना, विडो उसकी जो हालत है उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, उनकी शिक्षा में सुधार लाना, ये तमाम प्रयास जो है ये इनके द्वारा किया जाता था। इनका एक कोटेशन है, इफ रिलीजन डज नॉट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म, यदि किसी धर्म में समाज सुधार करने की इजाजत नहीं है, यदि कोई धर्म कट्टर पंथ के रास्ते पर ही चलता है और अपने समय के साथ उसमें सुधार नहीं करता
तो इनका कहना है चेंज रिलीजन, ऐसे धर्म को बदल देना चाहिए। न्यूज़पेपर, दो महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर ये पब्लिश करते थे, एक तो खुद लोक हितवादी नामक अखबार प्रकाशित करते थे और दूसरा है इंदु प्रकाश। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति है गोविंद वल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पॉलिटिशियन। 1889 में इनका जन्म हुआ, 1889 में, और 1967 में इनकी मृत्यु हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे और स्वराजवादी जब पार्टी बनी थी तो उसके भी मेंबर थे। फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, जब देश आजाद हुआ था तो उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर गोविंद वल्लभ पंत को बनाया गया था। जब ये उत्तर प्रदेश के सीएम थे उस समय इन्होंने एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में फिर ये यूनियन होम मिनिस्टर भी बने सेंट्रल गवर्नमेंट में, और इनको मृत्यु के उपरांत इनको भारत रत्न का सम्मान भी इनको दिया गया। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हकीम अजमल खान, 1868 में इनका जन्म हुआ, 1927 में इनकी मृत्यु हुई। यूनानी फिजिशियन, जो यूनानी चिकित्सा पद्धति है उसके ये वैद्य थे, उसके ये हकीम थे, ठीक है, इसीलिए इनके नाम पे हकीम लगा हुआ है। इसके अलावा एडवोकेट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एडवोकेट माने यहां वकील नहीं थे वो, एडवोकेट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी माने हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े समर्थक थे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज द ब्रेथ ऑफ हिज नॉस्ट्रिल्स, महात्मा गांधी ने इनके बारे में कथन कहा था कि इनके नोज से, नॉस्ट्रिल्स से, नसिकाओं से जो हवा अंदर जाती है उसमें हिंदू मुस्लिम एकता ही का निवास होता है, अर्थात ये हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ही काम करने वाले व्यक्ति थे। फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन ऑफ हिंदू महासभा रिसेप्शन कमिटी, हिंदू महासभा की रिसेप्शन कमिटी के ये चेयरमैन भी रहे हैं, और ये पहले मुस्लिम हैं जो हिंदू महासभा, जो कि कट्टरवादी हिंदू सभा थी, उसके इनको चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन रिसेप्शन कमिटी का फाउंडर। नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अलीगढ़, अलीगढ़ में इन्होंने नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना इन्होंने की, तो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है। जादूनाथ सरकार 1870 से लेकर 1958, बंगाली हिस्टोरियन थे, स्कॉलर विद्वान थे, हिस्टोरियन थे और राइटर थे, ठीक है। रॉट मेनी हिस्ट्री बुक्स ऑन मुगल्स एंड मराठास, हिस्ट्री मुगल और मराठा की हिस्ट्री से संबंधित अनेक किताबों में इन्होंने लेखन किया है, जादूनाथ सरकार, ठीक है। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति जमनालाल बजाज, 1889 में इनका जन्म हुआ, राजस्थान के बहुत बड़े उद्योगपति, और 1942 में इनकी मृत्यु हुई। इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे, दानदाता थे, गांधीयन एक्टिविस्ट थे, ठीक है, और आजीवन ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के ट्रेजरर, खजांची थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इन्होंने फाउंड किया था, स्थापना की थी गांधी सेवा संघ, गौ सेवा संघ, सस्ता साहित्य मंडल, जहां पर कम कीमत पर साहित्य छाप करके बांटी जाती थी, एंड हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग बर्था सत्याग्रह आश्रम। गांधी ने अपना दूसरा सत्याग्रह आश्रम, पहला तो उन्होंने साबरमती बनाया था, दूसरा बर्था में बनाया था, उसकी स्थापना में भी इन्होंने पैसे वगैरह दिए थे। ही गिफ्टेड सीगोन विलेज, महाराष्ट्र में गांव है सीगोन, वो पूरा गांव का गांव गांधी जी को दान में दे दिया था, जिसको बाद में गांधी जी ने सेवा ग्राम नाम दिया था। डेवलप्ड रूरल इंडस्ट्रीज एंड हरिजन डेवलपमेंट, ये गांधी जी के पक्के अनुयायी थे, और गांधी जी ग्रामीण अपलिफ्टमेंट के बहुत बड़े समर्थक थे, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में इंडस्ट्रीज लगाने का काम इन्होंने किया था, और हरिजन उद्धार में, छुआछूत निवारण में, अनेक प्रकार के समाज सामाजिक कार्यों में इनका योगदान रहा है। फाउंडर है ये बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज, आज भी बजाज जिसके चेयरमैन राहुल बजाज हैं, तो बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज के ये फाउंडर है। गांधी डिक्लेयर्ड हिम हिज फिफ्थ सन, हिज लिखना भूल गया हूं मैं, याद रखिएगा, गांधी ने, इन्होंने अपना, गांधी के चार पुत्र तो थे ही, जमनालाल बजाज को इन्होंने अपना पांचवा पुत्र घोषित किया था, ठीक है। अगले महत्वपूर्ण फिगर जयप्रकाश नारायण, बिहार में इनका जन्म हुआ, जो कि उस समय बंगाल प्रोविंस में पड़ता था, 1902 में, और फिर 1979 में इनकी मृत्यु हुई। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत की आजादी की बात खास करके और भारत छोड़ो आंदोलन में, तो इनके इस राजनीतिक उपलब्धियों के कारण इनको लोकनायक, द पीपल्स लीडर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक समाजवादी थे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे और पॉलिटिकल लीडर थे। इनको हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट का दर्जा दिया गया है, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण नेता क्विट इंडिया मूवमेंट के समय जेल में बंद थे, और इन्हीं नौजवानों पर जो उस समय थे उनके ऊपर ये बोझ आया था कि आगे इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, उसमें जयप्रकाश नारायण का बहुत बड़ा रोल है, इसे इनको हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता है।
ही इज रिमेंबर्ड फॉर लीडिंग द मिड 1970s अपोजिशन अगेंस्ट पीएम इंदिरा गांधी टू ओवरथ्रो एंड गेव स्लोगन ऑफ टोटल रेवोल्यूशन। 1970-71 के आसपास जो चुनाव हुए थे 1973 में सेंट्रल गवर्नमेंट के, उस चुनाव में इंदिरा गांधी ने बड़ी फ्रॉडबाजी कर करके विजय प्राप्त की थी, जिसको जयप्रकाश नारायण और उनके साथियों ने अलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया था और अलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी ने जो चुनाव जीता था उसको वॉइड माने उसको शून्य घोषित कर दिया था। इसी भय के कारण इंदिरा गांधी ने 1975 में देश में इमरजेंसी लगाया। इस इमरजेंसी का विरोध करने वाले जयप्रकाश नारायण पहले व्यक्ति थे और इंदिरा गांधी को विरोध करने में उन्होंने एक विपक्ष की भूमिका निभाई, अपने नेतृत्व में और भी कई पार्टियां और भी लीडर्स को अपने साथ रखा और इंदिरा गांधी का विरोध करने में सबसे आगे जयप्रकाश नारायण रहे और उन्होंने इंदिरा गांधी को सत्ता से फाड़ फेंकने के लिए, इंदिरा गांधी का विरोध करने के लिए बिहार के गांधी मैदान से बहुत बड़ा एक जलसा किया था, जहां पर उनके लाखों जो लोग थे वो भीड़ पर इकट्ठे हुए थे और वहीं पर उन्होंने नारा दिया था टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति का नारा इंदिरा गांधी को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने दिया था। ठीक है, इनकी बायोग्राफी है, बायोग्राफी का नाम है इनका जयप्रकाश, जिनको लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, जो कि कवि थे राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, इनके बारे में मैं पहले बता चुका हूं आपको। ठीक है, इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है 1965 में और मैंने आपको ये होमवर्क दिया है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड क्या है, आप ध्यान से कर लीजिए और सारे भारत के लोग जिनको ये पुरस्कार मिला उनका लिस्ट बना लीजिए। इसके अलावा इनकी मृत्यु के बाद इनको भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, स्टडीड फ्रॉम यूएसए, इन्होंने समाजशास्त्र से पॉलिटिकल साइंस इत्यादि से एमए वगैरह की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन अमेरिका से पढ़ाई उन्होंने पूरा किया और पढ़ाई पूरी करने के बाद 1929 में ये भारत लौटे और जवाहरलाल नेहरू के कहने पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। लेकिन बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस में रहते हुए, क्योंकि ये बड़े कट्टर समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, इन्होंने बाद में अपनी खुद की एक पार्टी बनाई CSP, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो कि कांग्रेस के भीतर रह के काम करती थी 1934 में। 1947 से 1953 तक ये प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, जो कि भारत में रेलवे की सबसे बड़ी मजदूर संगठन है। ठीक है, 1974 में ही लेड स्टूडेंट्स मूवमेंट इन द स्टेट ऑफ बिहार, बिहार में छात्रों के दल का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने और उसी छात्रों के नेतृत्व में जो लालू यादव है, मुलायम यादव है, ऐसे बिहार के और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नेता उसमें भाग लिए थे, जो बाद में खुद एक बड़े महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे। तो छात्रों का यह आंदोलन चलाया गया था इंदिरा गांधी का विरोध करने के लिए और बाद में जब इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया तो उसके विरोध में भी जगह जगह पर आंदोलन जयप्रकाश नारायण ने चलाया। बिहार में उन्होंने छात्रों का जो आंदोलन चलाया उसको बिहार मूवमेंट, बिहार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी दौरान जब उन्होंने बिहार मूवमेंट चलाया टुगेदर विथ वी एम तारकुंडे नामक एक व्यक्ति के साथ मिलकर के इन्होंने एक दो एनजीओ की स्थापना की थी, एक था सिटीजंस फॉर डेमोक्रेसी एंड दूसरा था पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, क्योंकि इमरजेंसी के समय लोगों की जो सिविल लिबर्टी थी, उनके जो फ्रीडम थे वो सब छीने जा रहे थे, तो उनकी रक्षा करने के लिए उन्होंने ये दो एनजीओ की स्थापना वी एम तारकुंडे के साथ में मिलकर के की थी। 25 जून 1975 को इमरजेंसी का इंदिरा गांधी, पूरे देश में आपातकाल लगा दिया इंदिरा गांधी ने, इसके विरोध में उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की कविता को अपना स्लोगन बनाया और वो कविता का जो लाइन था वो था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ठीक है, ये नारा उन्होंने स्लोगन दिया था। ठीक है, अब ये इस प्रकार से आंदोलन कर रहे थे गांधी, इंदिरा गांधी के विरोध में इमरजेंसी लगी हुई थी, स्वाभाविक बात है उनको पकड़ लिया गया, पकड़ के उनको जेल में डाल दिया गया और उनको डिटेंशन में रखा गया चंडीगढ़ में। ठीक है, जब इनको डिटेन कर लिया गया चंडीगढ़ में तो इनके यूके में इनके कुछ समर्थक थे जिनमें दो महत्वपूर्ण नाम है, एक है सुरूर होडा और एक नोबेल प्राइज विनर नोएल बेकर, साहित्यकार है। ठीक है, इन्होंने फ्री जेपी, जेपी माने जयप्रकाश का नारा दिया था और जयप्रकाश को छुड़ाने के लिए ब्रिटेन की तरफ से दबाव इंदिरा गांधी पर डलवाया था।
18 जून 1977 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटा लिया, और जब इमरजेंसी खत्म हो गया तो इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर किया कि अब भारत में नए तरीके से चुनाव होंगे, और उस चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए जयप्रकाश नारायण ने एक अलग से पार्टी बनाई थी, जनता पार्टी, जिसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और उस समय के बड़े महत्वपूर्ण कई पार्टियों ने मिलकर के ये जनता पार्टी बनाई थी, क्योंकि एक पार्टी अकेले कांग्रेस को हरा दे ये मुश्किल था, इसलिए सबकी मिलीजुली पार्टी बनाई थी, उसका नाम रखा गया था जनता पार्टी, जिसके प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण थे। और ये जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा, और इस चुनाव में इनकी भारी मतों से विजयी हुई, और पहली बार ऐसा हुआ कि सेंटर में नॉन कांग्रेस की सरकार 1977 में बनी थी, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई, और 2 साल के अंदर ही ये सरकार बाद में गिर गई। फिर चुनाव होता है, ठीक है, और फिर चुनाव होता है तो फिर इंदिरा गांधी जीत के आ जाती है, ठीक है, फिर 84 में उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर आगे की कहानी कभी और, ठीक है, ठीक। तो जब ये जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उसमें जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो मोरारजी देसाई बनते हैं इस जनता पार्टी के, चूंकि मिली जुली सरकार थी इसलिए ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाई, और 79 में जयप्रकाश नारायण की मृत्यु भी हो गई, तो ये पार्टी बिखर गई, और सब अपना अपना महत्वपूर्ण पद पाने के लिए लड़ाई झगड़ा मचा दिए, और अल्टीमेटली ये जो समर्थन था इसे समर्थन वापस ले लिया गया, और फिर से चुनाव हुए जिसमें इंदिरा गांधी को विजय मिला, ठीक है। कैलाश नाथ काटजू अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति, 1887 में इनका जन्म हुआ, 1969 में इनकी मृत्यु हुई, बाय प्रोफेशन ये लॉयर थे और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। 1933 में इन्होंने मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस एक हुआ था जिसमें क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों पर बम फेंका था, तो उस केस में जो एक्यूज्ड थे उन एक्यूज्ड को बचाने के लिए इन्होंने उनके तरफ से वकील के रूप में केस लड़ा। भारत के आजाद होने के बाद ये मध्य प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर भी बने। नेक्स्ट है मैंडलिन स्लेट, जो कि इंग्लैंड की एक महिला थी, और इनको ये गांधी की बहुत बड़ी फॉलोवर थी, बाद में जब ये गांधी आश्रम को इन्होंने ज्वाइन किया तो गांधी ने इनका नाम रख दिया मीरा बहन। 1892 में इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई, 1982 में वियना, ऑस्ट्रिया के वियना में इनकी मृत्यु हुई। एन इंग्लिश एरिस्टोक्रेटिक विमेन, इंग्लैंड में रहती थी, बड़ी एरिस्टोक्रेटिक शाही परिवार से संबंधित रखती थी, ठीक है, ये गांधी से प्रभावित होकर गांधीवादी बन गई, ज्वाइंड साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम में गांधी के साथ रहती थी, ठीक है, सी एकम्पनीड गांधी इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये गांधी के साथ ही ज्यादातर देखी जाती थी, और गांधी के हर आंदोलन, हर मूवमेंट में ये उनके साथ ही रही, यहां तक कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी लंदन गए तो ये भी उनके साथ रही। सी सेटअप ऑफ किसान आश्रम एक्ट, मूलदासपुर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मूलदासपुर में इन्होंने किसान सभा का आयोजन, किसान आश्रम की स्थापना की थी, जिनका उद्देश्य कृषि को बढ़ावा देना, पशुपालन को बढ़ावा देना, ये तमाम उनका उद्देश्य रहा है, ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत से। इनको इनके कंट्रीब्यूशन के लिए 1981 में पद्म विभूषण का अवार्ड इनको दिया गया। अगले महादेव देसाई, 1892 में इनका जन्म हुआ, 1942 में इनकी मृत्यु हुई, ये 25 साल तक गांधी के सेक्रेटरी रहे, पर्सनल सेक्रेटरी, ठीक है, तो ये इनका इंपॉर्टेंट काम है, और फिर जब सेक्रेटरी थे तो गांधी ने जहां जहां क्विट इंडिया नॉन कॉपरेशन जो जो किया सभी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, और गांधी के सेक्रेटरी रहे तो स्वाभाविक बात है गांधीयन फिलोसफी से प्रभावित रहे होंगे, नॉन वायलेंट विचारधारा से प्रभावित रहे होंगे, ये तमाम बातें। मिथुबेन पेटिट एक पारसी विमेन थी जो कि गांधीवादी सिद्धांतों से बहुत ज्यादा प्रभावित थी, गांधीयन एक्टिविस्ट बन चुकी थी, और गांधीवादी आंदोलन जितने भी भारत में हुए नॉन कॉपरेशन से लेकर सीडीएम से लेकर क्विट इंडिया मूवमेंट सभी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, टू पार्ट इन सीडीएम, इनका महत्वपूर्ण रोल सीडीएम में है, जब सारे महत्वपूर्ण नेता खास करके धरसाना में गांधी इत्यादि गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो 3 महिलाओं ने धरसाना की जो सॉल्ट फैक्ट्री है वहां पर इस आंदोलन को जारी रखा था, जिनमें 3 महिला में एक तो खुद मिथुबेन पेटिट थी, दूसरी कस्तूरबा गांधी और तीसरी सरोजिनी नायडू, ठीक है। इसके अलावा 1928 में सरदार पटेल के नेतृत्व में बारडोली सत्याग्रह चलाया गया था जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं मानवेंद्र नाथ रॉय, शॉर्ट में इनको एमएन रॉय कहा जाता है, हालांकि इनका असली नाम नहीं था, इनका असली नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, ठीक है, लेकिन ये फेमस मानवेंद्र नाथ रॉय के नाम से या एमएन रॉय के नाम से हुई। 1887 में बंगाल में इनका जन्म हुआ, 1954 में बंगाल में इनकी मृत्यु हुई। एक रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, ठीक है, फाउंडर ऑफ मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी एंड सीपीआई, मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उसके फाउंडर रहे हैं। गेव हिज फिलोसफी ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म, इन्होंने जो कम्युनिज्म है और लिबरलिज्म है
इन दोनों के बीच का एक रास्ता निकालने के लिए उन्होंने अपनी एक अलग से फिलॉसफी दिया जिसको कहा जाता है रेडिकल ह्यूमनिज्म, ठीक है, अ कोर्स बिटवीन लिबरलिज्म एंड कम्युनिज्म, जो कि कम्युनिज्म और लिबरलिज्म के बीच में। तो ये इनकी अपनी फिलॉसफी है, इसलिए फिलॉसफर भी माने जाते हैं। बीकेम इंडियन नेशनल कांग्रेस मेंबर इन 1940, 1940 में ये कांग्रेस के मेंबर बने, लेकिन फिर कांग्रेस में ठीक इनकी केमिस्ट्री नहीं जमी तो उसको उन्होंने जल्दी छोड़ दिया और उन्होंने अपनी खुद की एक अलग से पार्टी बनाई, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक नहीं चली, 1948 में वो पार्टी भी खत्म हो गई। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली बनाने की बात कही थी। इनके तीन महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनमें से दो इनकी खुद की लिखी हुई है, तीसरी इनके ऊपर लिखी गई बायोग्राफी है। तो पहली इनकी महत्वपूर्ण किताब इंडिया इन ट्रांजिशन, दूसरी किताब है इन फ्रीडम्स क्वेस्ट जो कि बायोग्राफी है इनकी और उसको लिखने का काम किया शिव नारायण राय ने। तीसरी महत्वपूर्ण जो किताब है जो कि दूसरी इनकी लिखी हुई है रीजन रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन, ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण किताब। अगले हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, 1888 में इनका जन्म मक्का में हुआ, ठीक है, और इनके जो परदादा थे वो परदादा आ गए थे दिल्ली और 1857 के विद्रोह के समय वो दिल्ली में थे। बाद में फिर इनके जो पिताजी थे वो आ गए थे 1898 में कलकत्ता, ठीक है। इनके जो महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर हैं, दो महत्वपूर्ण अखबार हैं जिनमें से अल हिलाल बहुत ही फेमस हुआ है और दूसरा है अल बलद। गांधीवादी थे ये, इंडियन नेशनल कांग्रेस के यंगेस्ट और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रहे हैं 1940 से 45 तक। रामगढ़ का जब सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1940 में तो वहां वो प्रेसिडेंट बने थे और 45 तक लगातार रहे। इनकी तीन बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है इंडिया ब्रिंग्स फ्रीडम, दूसरी है गुबार ए खातिर और तीसरा है तज़किरा, ठीक है। तो ये जो गुबार ए खातिर और तज़किरा उर्दू में है और इंडिया ब्रिंग्स फ्रीडम अंग्रेजी में है। अवार्ड्स, इनको अवार्ड्स के रूप में 11 नवंबर ये आपको ये भी याद रखना है कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब भारत आजाद हुआ तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे, इसलिए इनका जो जन्म हुआ था 11 नवंबर को उसको भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और इनको इनके मृत्यु उपरांत भारत रत्न का पुरस्कार भी, जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई और महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में भी हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।